क्लास 10th मैथमेटिक्स। ठीक है बच्चों, जो एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5 हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विथ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। ठीक है, सो बेटा पहले हम गार्डन बनाएंगे। मस्त गार्डन का जो शेप है वो बोला गया है कि रेक्टेंगल शेप में। रेक्टेंगल आप जानते हैं, ठीक है ना, ये हमारा रेक्टेंगल हो गया। ठीक है, ये रेक्टेंगल है, इसे हम बोलते हैं ब्रेथ और इसे हम बोलते हैं लेंथ। ठीक है, ये बोलते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विथ। ठीक है, विथ को ब्रेथ भी बोला जाता है, तो लेंथ किस पर डिपेंड कर रही है, विथ पर डिपेंड कर रही है, तो जिस पर डिपेंड कर रही है हमेशा उसी को लेट करना होता है। तो हम लेट कर लेंगे, लेट विथ वो कितना है बेटा, एक्स मीटर है। सो लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहे हैं विथ से कितना बड़ा है, 4 मीटर बड़ा है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, गिवन करके हाफ पैरामीटर, हाफ पैरामीटर कितना दे रखा है बेटा, हाफ पैरामीटर हमें दे रखा है कितना, 36। हाफ पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ प्लस ब्रेथ, ये हाफ पैरामीटर का फॉर्मूला होता है। तो लेंथ हमारे पास कितना है, एक्स प्लस 4, और ब्रेथ हमारे पास कितना है, एक्स 36 हो जाएगा। एक्स और एक्स को ऐड करोगे 2x, प्लस का 4 इधर आके माइनस का हो जाएगा। ठीक है बच्चों, सॉल्व करेंगे तो ये 2x इक्वल टू क्या जाएगा, 32। 2 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, 2 1 2, 2 6 12, सो एक्स की वैल्यू आ गई 16। सो जो विथ होगी बेटा वो हो जाएगी 16 मीटर, एंड जो लेंथ होगी वो होगी एक्स प्लस 4, एक्स की वैल्यू पुट अप कर देंगे 16 प्लस 4, बोले तो 20 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो विथ आपकी 16 मीटर होगी और लेंथ आपकी 20 मीटर होगी, और ये आपका आंसर है। इतना सिंपल एंड स्वीट क्वेश्चन था, और छोटे क्वेश्चन नंबर पे पूछा जाते हैं, ठीक है, 1 मार्क्स 2 मार्क्स में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको नेक्स्ट वीडियो क्या चाहिए, और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें और डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक करें।